आई एम डाइटिशियन श्रेया कत्याल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों और कुछ ऐसे खानों के बारे में जो कि युगों युगों से इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज की हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट का पार्ट नहीं है। गर्मी इतनी पड़ रही है तो ऐसे मौसम में हमारे कुछ ठंडा पीने का मन करता है, कुछ शुगरी पीने का मन करता है, तो द फर्स्ट थिंग वी थिंक इज कि जितने भी हम आपको आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको हम यूज़ करें किसी ना किसी ठंडी ड्रिंक बनाने के लिए। ऐसे में हम भूल जाते हैं कि आम पाना या फिर जौ का सत्तू एक कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि हमारे इंडिया में हम बना सकते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, तो ना सिर्फ हमारे को ठंडक वैसे देते हैं बट हमारे दिमाग को और हमारे पेट को ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ हमारे को लू से भी बचाते हैं। और ऐसी आदतों के बारे में मैं बात करूं तो फ्रिज का पानी जो हम आजकल पीते हैं इतना ठंडा कि हम आपको रिफ्रेशमेंट दे, बट वो फिल्टर्ड पानी होता है जो कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिनरल्स हमारे निकल जाते हैं, तो ऐसे में बेटर है कि आप मटके का पानी लें जिससे आपको मिनरल्स भी मिलते हैं और साथ ही साथ आपको ठंडक भी मिलती है। सौंफ और इलायची कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रूटीन में हमारी डाइट का पार्ट होना चाहिए, जो कि आजकल सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम लेते हैं, तो इनको लीजिए, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं और आपके बॉडी में एसिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ जब भी हम खाना खाते हैं, हमें आदत है आज की डेट में हम बेड पे बैठ के खाते हैं, टीवी चला के या फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम क्रॉस लेग करके चौकड़ी मार के ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं, क्योंकि अगर हम पुराने टाइम पे देखें तो उस केस में लोगों की इतनी अच्छी डाइजेशन होती थी, लोगों को कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स नहीं होते थे और इसके साथ साथ जो एक पॉस्चर होता है हमारी बॉडी का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए हमारे को फैमिली के साथ बैठ के ज़मीन पे खाना खाना चाहिए और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए खाना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने रूटीन और अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने रूट्स से स्टिक कर सकते हैं और उतना ही हेल्दी आप रह सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में और अपने डाइट में।